धान खरीदी केंद्र में किसानों की बयां हालत से शासन की किसान हितैषी फरमान पर पलीतन लगते नजर आ रहे हैं। शासन धान उपार्जन के संबंध में किसानों के सुविधाओं के मामले पर जितना गंभीर नजर आ रहे हैं, वही संबंधित अधिकारी कर्मचारी की कार्यप्रणाली से किसानों में आक्रोश व्याप्त है। बलौदाबाजार जिला सिमगांव विकासखंड के ग्राम चौरेंगा के धान खरीदी केंद्र में समस्याओं का अंबर देखा गया है। यहां धान बिक्री को लेकर कृषक गण हताश नजर आ रहे थे। कथित धान खरीदी केंद्र में उचित ठहरने की व्यवस्था नहीं है। देखा गया है कि इसके मध्य कृषक गण सुबह से शाम तक घंटों धान का तौल कराने राह तकते रहे, लेकिन दिन ढल जाने के बावजूद धान का तौल नहीं हो पाया। देखने में तो 3 तराजू की व्यवस्था थी, उनमें से 2 तराजू से ही तौल हो रहा था। तौल करने में स्वयं कृषक गण लगे हुए थे। देखा गया है कि किसानों में से महिला वर्ग स्वयं धान के बोरी को उठाकर तौल कराकर फिर खींचते हुए धान की बोरी की छल्ली बना रहे थे, जबकि यह काम धान खरीदी उपार्जन केंद्र के कर्मियों का था। धान खरीदी में भी तौल में गड़बड़ी देखी गई। 300 से 400 ग्राम तक निर्धारित पैमाना से अधिक धान का तौल किया जा रहा था। इस मामले पर धान उपार्जन केंद्र के व्यवस्थापक कोमल वर्मा ने कहा कि अब इस प्रकार की गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। तौल पर नजर रखा जाएगा। तिलदनेवरा से अजय नेताम की रिपोर्ट। आपके गांव का नाम? चौरेंगा। आपका नाम? राजेन। राजेन, पूरा नाम? राजेन वर्मा। राजेन वर्मा, हाँ हाँ, बताइए आपको परेशानी क्या हो रही है गांव में? परेशानी आप देने आए ना धान तोड़ने के लिए? हाँ, धान तो बताइए परेशानी आपकी। अब परेशानी ये है ना, कांटा तोल में आदमी नहीं देता है, कट्टा पलटी करते हैं, चघाते हैं, बस एक देता है, एक आदमी देते हैं। हाँ, बाकी सब किसान लोग किसान के उसने, हाँ पूरा सब किसान करते हैं ये काम। आपके सामने भी वजन किए हैं? हाँ। तो वजन में ज्यादा कितना दिखता था? ज्यादा तो आधा किलो दिखता था, गलत है, आधा किलो। हम लोग तो तौलाए तो उसमें तो कहीं 230 ग्राम का अधिकता मिला है ना। हाँ। उसके बाद दूसरे कट्टे में उससे भी ज्यादा था। हाँ, ज्यादा था। हाँ। ये आपके सामने हुए, किसानों के सामने? हाँ, सामने हुआ है ना। हाँ। 4-5 कट्टे तौलाने के बाद सब में अधिकता मिला है ना। हाँ, गलत है ये पूरा, गलत है ना। हाँ, गलत है, गलत। और कौन बोलना चाह रहे हैं? हाँ, आप बताइए। सुबह 8 बजे से आए हैं। आपका नाम? मेरा नाम अशोक साहू, चौरेंगा। अशोक साहू, चौरेंगा। चौरेंगा के नाम से सोसाइटी चल रहा है। 8 बजे से हम धान लेके आए हैं और अभी तक न हमको धान तौल में कोई मदद नहीं मिल रहा है। सिर्फ एक आदमी कांटा तौल के लिए दिए हैं। जो रेगुलर तौला है ना, वो तो तौला तबियत खराब हो चुकी है, उसके जगह में टोकन अधिकता होने के कारण नए आज तौलने के लिए लगाए हैं। उसके नया तौलने वाला है, इसलिए वो मान रहा हूँ मैं जो 200-300 ग्राम अधिक आ रहे हैं, लेकिन भविष्य में उसको सुधार करेंगे और उस तौलक को अपने काम पे नहीं रखेंगे। देखिए, समस्या यहाँ पे ये नहीं है कि उस तौलक को आप काम पे रख रहे हो नहीं रख रहे हो, भाई तौलक जानकार है तब तौल रहे हो। आपके सामने सुने ना, तौलक जानकार है तभी तौल रहे हो। निश्चित तौर में इसकी दायित्व किसको बनता है? आपको बनता है कि आप जाकर जगह समय समय निरीक्षण करें वहाँ पर कि किसानों का हक मार थोड़ी जा रहा है। बनता ही नहीं बनता दायित्व, बताइए आप। आप यहाँ पे बैठे हो चैम्बर पे, वहाँ पे जाकर आप झांक भी नहीं रहे हो कि वहाँ पे कितना लिया जा रहा है तौल में, तो उसका आपराधिक श्रेणी कौन आता है? आप आते हो ना। मैं तो अभी ऑफिस गया था, काम से ऑफिस ही, ऑफिस कार्यालय थोड़ा दूर में है, उसके बाद अभी आया जस्ट, उसके पहले आ चुके थे। आ चुका था ना यहाँ पर, तो हम 3-3 वहाँ पे कट्टा है सबको देखे हैं, वहाँ पे अनियमित तौर से वहाँ पे तौल हुआ है, एक नहीं हुआ है, यहाँ 3-3 जगह देखे हैं अपन, है ना। तो निश्चित तौर में वो सुबह से सुबह का है कैजा तौल जो है ना। अब सुबह से शाम तक अभी करीब आपको 4 बजने वाला है, आप यहाँ पे बैठे हो 2 घंटे के लिए, अभी लंच वगैरह होंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन इस 4-5 घंटे अंतराल में आपके रहते हुए में यहाँ पर अधिक रूप से तौला जा रहा है ना, तो उसका दोषी तो आप ही हो, जो आप तो आप ही देना है। ऐसे क्या हो रहा है? मैं फील्ड में घूमा भी हूँ 2-3 बार अभी। हाँ, लेकिन मेरे को किसी कोई भी किसान ने नहीं बोला कि अधिक तौल हो रहा है यार। किसान क्यों बोलेगा भाई? किसान तो ऐसे डर रहता है बेचारा, मेरा धान रिजेक्ट मत कर दे करके। नहीं, किसान तो भाई संतुष्ट होगा तभी तौल आएगा भाई। काटा लगने के बाद वो तो देखता है वजन, काटा पलवा हटा देते हैं। बोरा किसान नहीं बोला है अधिक तौल जा रहा है, हमारे पास तो पूरा किसान अधिक तौल रहा है। तब वो चीज को पहले तो मेरे पास ही बोलना चाहिए भैया, भी देखना चाहिए वहाँ पे तौल को। मैं जब किसान के तौल काटा के पास जाता हूँ तो किसान तो बोलते हैं भैया ज्यादा जुगाड़ रहा है।
बोलते हैं किसान नहीं बोला है, बोलना चाहिए। किसान नहीं बोले, चल किसान की त्रुटि है, किसान चाहे डर के मारे ना बोला हो या कुछ कारण से ना बोला हो या कुछ कारण से मुंह दबा हो, लेकिन आपका तो मुंह खुला हुआ है, आपको तो आग दिख रहा है, आपका दायित्व तो बनता है वहाँ पे जाके जांच करने का। अब क्यों बिठाया गया व्यवस्थापक का मतलब क्या होता है बताइए? मैं जाता हूँ तो उस समय से ही तौल हो रहा है, मेरे जाने के बाद किसान भी हड़बड़ी में है, मेरा कांटा के लिए झगड़ा भी हो रहे हैं। ठीक है महोदय, वो हो रहा मैं मानता हूँ, लेकिन जितने भी तौल आया है कोई निश्चित तौर पर ऐसा नहीं कि आपका एक घंटे में आप बाहर गए होंगे तो एक घंटे के अंदर तौला होगा, आपके रहते में भी तौला है वो, एक घंटे में नहीं हो पाएगा। हाँ तो आपके रहते में भी तौला है, ऐसे बात नहीं है, तो निश्चित तौर में आपके रहते हुए भी तौल हुआ है। हाँ।